पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां वहाँ पहुंच गई यहाँ पे क्या हुआ है वहाँ पर कोई बहस बूझे क्या हुआ क्या ना हुआ? हुआ एक थेरी ये थी कि इंडिया जो है जानबूझ के इंडियंस चाहते ये थे कि ये कहा जाएगी ये जानबूझ के ताकि हमारी जो आ, जो एप्स जो कैपेबिलिटी जो हमारी जो एक्सिलेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क न लगे भारतीय सेना ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है यह घटना तब हुई जब ड्रोन ट्रेनिंग मिशन पर था और तकनीकी खराबी के कारण ड्रोन ने नियंत्रण खो दिया और पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस गया भारतीय आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट्स तक रहा ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं और हेडलाइन यानी कि मेन लाइन के तौर पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है एक दिन इंडिया कहता है याद है थोड़ा सा दीवार पे आके एक मिसाइल लगा था के अंदर। है? और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने ये महसूस किया कि एक ऑब्जेक्ट आ रही है वो ऑब्जेक्ट चल पड़ी है उसको हम देख रहे हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर गई है वो, वो पाकिस्तान के अंदर आ गई है तो पाकिस्तान ने उसको रिस्पोंड ही नहीं दिया और इन घटनाओं को देखकर लग ऐसा रहा है कि भारतीय नेताओं के डिसीजन का इंतजार करते करते भारत के हथियार भी इतना थक चुके हैं कि खुद ब खुद पाकिस्तान के अंदर घुसे जा रहे हैं लेकिन हम रेडी हैं और इतना ज्यादा रेडी हैं कि अब थक भी चुके हैं अब तो ऑर्डर दे दो पीओके लेने का नमस्कार दोस्तों जय हिंद जैसा कि आपने क्लिप में देखा आज से कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि भारत ने पाकिस्तान पे गलती से मिसाइल छोड़ दिया है उसके बाद तीन से चार दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब बम गिरा दिए और आज खबर ये आ रही है की भारतीय सेना का एक ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुस गया यह एक सर्विलेंस ड्रोन था यानी इसे जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है कल सुबह पाकिस्तान के अंदर जा पहुँचा जिसे देख पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बोल रहा है की भारत इसे जान कर भेज रहा है पहले भारत ने मिसाइल छोड़ दिया और ड्रोन से जासूसी कर रहा है हालांकि भारतीय सेना ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी यह घटना तब हुई जब ड्रोन एक ट्रेनिंग मिशन पर था और तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो दिया और पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस गया भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार को सुबह नौ बज के मिनट आरोप भारतीय क्षेत्र के भीतर ट्रेनिंग कर रहे एक ड्रोन के तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो दिया और भारत के भिम्बर गली सेक्टर के सामने ऐसी पाकिस्तान में घुस गया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकाओं ने इस ड्रोन को बरामद कर लिया है ड्रोन को वापस करने के लिए पाकिस्तान सेना को एक हॉटलाइन संदेश भेजा गया है सुनने में आया कि अमेरिका जो है वो फैंस एक्सपोर्ट इंडिया करता है वो अमेरिका जाती हैं अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं ये किधर जाती हैं अमेरिका को कैसे कर रहा होता है अमेरिका को इसलिए कर रहा होता है कि अमेरिका ने अपनी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है या बहुत सारे ऐसी जो जगहों पे जहां पे जंगें शुरू हैं वहां पे इंडिया वेपन्स देता है वो वेपन्स जो है वो फिर इंडिया अमेरिकन खरीदते हैं थ्रू देयर प्राइवेट सेक्टर एंड देन वो आगे चला जाता है लेकिन देते वो खरीदते वो इंडिया से हम so अमेरिका जो है वो वेपन्स इम्पोर्टोट करता है भाई तगड़ा वेपन्स इंपोर्ट करता है इंडिया से जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये किस तरह की एक्सपोर्ट है इसका कोई पता नहीं लेकिन ये जो टाटा ग्रुप का और आ, आ, क्या उसका नाम है टाटा आ, जो बोइंग एरोस्पेस है आ, इसका जो जो एग्रीमेंट्स हैं अमेरिकन कंपनियों के साथ ठीक है वो बेसिकली इंडिया प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा उठा रहा है कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को किस तरह ऊपर लेके जाएं और आ, आ, इसमें अदानीज भी हैं इसमें आ, क्या नाम है ये टाटा बोइंग एरोस्पेस और टाटा ग्रुप भी है सो वो इस चीज में लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि हमें वेपन्स जो है वो चाहिए और इंडिया ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्विलेंस बढ़ा दी है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ड्रोन्स ख़रीद रहा है अब पाकिस्तान जो है वो के पास इस तरह की वो लंबी चौड़ी एक्सेस नहीं है जो इंडिया के पास एम क्यू नाइन ड्रोन है अब सुनने में आया है कि आए रोज़ इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जाते हैं आज जस्ट टूडे वेन आई एम स्पीकिंग आर्मी का था जो सर्विलेंस कर रहा था पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर वो पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया इंडिया ने उसको डिमांड किया कि हमें वापस करें इंडिया कहता है हमसे गलती से स्लिप हो गया सात एक दिन इंडिया कहता है हमारे ड्रोन का मेल फंक्शन हो गया टेक्निकल दूसरे दिन इंडिया कहता है हमारा मिसाइल छूट गया था एक दिन आपको याद है थो थोड़ा सा पहले चंदो में एक, 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 जो थी दीवार पे आके लगा था एक दीवार पे आके एक मिसाइल लगा था मिया चंदो के अंदर ठीक है और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने ये महसूस किया कि एक ऑब्जेक्ट आ रही है वो ऑब्जेक्ट चल पड़ी है उसको हम देख रहे हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर गई है वो पाकिस्तान के अंदर आ गई है तो पाकिस्तान ने उसको रिस्पोंड ही नहीं दिया ठीक है जब वो कहीं जाके किसी पेंड पे के बेच किसी डेरे पे बैंसों के करीब एक दीवार को जाके लगी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां पहुंच गई यहाँ पे क्या हुआ है वहां पर कोई बैंस बूस है क्या हुआ क्या ना हुआ बहरहाल इंडिया को हमने प्रोटेस्ट किया इंडिया ने कहा वो हमसे गलती होगी बाद में उन्होंने कहा हमसे बंदे जो है ना वो कर चले गए दो थेरीज थी एक थेरी ये थी कि इंडिया जो है जानबूझ के किया है इंडियंस चाहते ये थे कि ये कहा जाएगी ये जानबूझ के किया है ताकि हमारी जो आ, जो एप्स जो कैपेबिलिटी जो हमारी जो एक्सेलेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क न ले ठीक है और एक कई लोग कहते थे जान के किया है और कई लोग कहते थे छूट गया ठीक है अगर छूट गया है और तो इस इट मींस पीपल आर नॉट देयर राइट

कि किजा ड्रोन जी साढ़े इधर रखे सी पाकिस्तान उसको चेक करेगा पाकिस्तान देखेगा देखे तो सही ये कौन सा है आम आम है अच्छा है बुरा है कौन सा है पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है एंड दूसरा ये है कि कई जगह तो छोटे से हैं वो जैसे कहेंगे यू छोटा मिनी यू है तो ठीक है अब इंडिया हमारी सर्वेलेंस कर रहा है तो इतना तो नुकसान होता ही है फिर ठीक है आ, कि अगर वो उसका इंडियन ड्रोन पाकिस्तान की साइड पे आ गया तो पाकिस्तान ने ज़ारी बात है ये तो नहीं कहना कि सेरमनी करते हुए पाया ये ड्रोन आप ले लें ये हमारी सर्वेलेंस कर रहा था थैंक यू वेरी मच आप हमारी सर्वेलेंस कर रहे तो वो ये भारतीय एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एंटर्स पाकिस्तान एयर स्पेस मोदीज एयरक्राफ्ट एंटर्स पाकिस्तान एयर स्पेस भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में फोर्टी सिक्स तक रहा ये खबरें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं और हेडलाइन यानी कि मेन लाइन के तौर पर यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और यह ब्रेकिंग न्यूज इसलिए चल रही है कि इंडिया ने भी एक ऐसा काम किया है कि जिसपे उन्हें पता था कि यह तो खबर बननी बननी है ये क्या मोदी साहब की तरफ से कोई मैसेज है पाकिस्तान के लिए देखिए हुआ क्या है हुआ ये है कि जिस वक्त इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत हिस्टोरिक विजिट करके पोलैंड से वापस जा रहे थे दिल्ली तो उन्होंने जिस एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है वो एयर स्पेस पाकिस्तान की एयर स्पेस है अब सोचने की बात यह है कि मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखब क्यों किया गया ये तजिए हो रहे हैं या तबसरे हो रहे हैं तो क्या ये कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए तो देखिए मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं देखिए हम कहाँ पर हैं और देखिए आप कहाँ पर हैं यही पैगाम हो सकता है अच्छा मैं तो इस चीज़ पे हैरान किया जनाब उनका तैयारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और वो इस तरह से जैसे कोई जंग लगने लगी है कोई हमला हो गया है ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा खुशी या इतना ज़्यादा खौफ ये क्या था